Before I start off my class, a brief introduction about me. Some of you know me, many of you don't know me. Uh, my name is Dimple Nankani. Uh, before I start off, I'll just give you a brief introduction about brief introduction about my UPSC journey. I started off my preparation in 2011. 2011 or 2012, I should say. The serious phase started in 2012. Then we had two optionals. So I had two options then.

अक्टोबर uh, टू 2011. इलेवन uh, द 2012 पूरा प्रिपेयर किया 2013 में एग्जाम दिया कुड हैव given इन 2012, but ट्वेल्व बट डिसाइड किया कि नहीं छह महीना हुआ है प्रिपेयर करते हुए सो लेट्स नॉट गिव लेट्स गिव फर्स्ट अटैम्प्ट वेरी नाइसली एंड आई डिड माई फिल्म आई कुड नॉट क्वालीफाई माई फिल्म एग्जामिनेशन कुड नॉट क्वालिफाई ब डिसेंट मार्जिन काफ़ी लंबे काफी बड़े मार्जिन से हुआ था ऐसे कट ऑफ वाले के पास भी नहीं थे द कट ऑफ देन वॉज टू फोर्टी वन बिकॉज वॉज इंक्लूडेड आई हैड स्कोर टू ट्वेंटी फाइव सो इट वॉज अराउंडीन मार्क्स से नहीं हुआ था विच इज़ पता ही था कि लिस्ट में भी नहीं हो देन आई गेव डिसाइडेड कि चलो ठीक है रिकलेक्ट अभी यू नो गेट आप लेट स्टार्ट

Then, uh, as, जैसे रिजल्ट आया फीलिंग वेरी वेरी इल कि क्यों नहीं हो रहा बहुत ही बुरा लग रहा है देन आई डिसाइडेड कि नहीं ठीक है फिर से गेटिंग अप आई शुड हैव टेकन अ ब्रेक फॉर फाइव टेन डेज बट आई डिड नॉट टेक अ ब्रेक आई सिलेक्ट नहीं फिर से चालू करेंगे द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई रियलाइज एंड आई डिड ऑल्सो एट द सेम टाइम वन बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई रियलाइज फॉर माई टू प्रिलिम्स वॉज आई वॉज नॉट लुकिंग एट प्रीवियस क्वेश्चन विच वॉज वेरी बैड ऑन माई पार्ट बिकॉज एग्जाम के वी आर एक्चुअली सो ओवरवेल्ड बाई द कंटेंट दैट वी गेट आउटसाइड बाई द एवरी एवरी काइंड ऑफ मटीरियल वी वॉन्ट टू रीड अब तो करंट अफेयर तब तो फिर भी कंटेंट इतना नहीं था दैट वॉज द टाइम एंड कंटेंट इतना मार्केट में फ्लडेड नहीं था अब तो इतना कंटेंट मार्केट में फ्लडेड है दैट वी गेट ओवरवेल्ड ये भी पढ़ लेते हैं 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 दिस इज वन मिस्टेक इस इस चीज में क्या होता है हम लोग यूपीएससी को नहीं देखते हैं वी डोन्ट स्टार्ट लुकिंग एट द यू पी

पैटर्न को समझते हुए तो क्योंकि बहुत कंटेंट होता है वी डोंट लुक एट प्रीवियस ए क्वेश्चन दैट इज वन मिस्टेक दैट आई डिड दैट इज वन मिस्टेक दैट आई रियलाइज कि मुझसे ये गलती हो रही है बट एट द सेम टाइम बिकॉज आई वॉज ओवरवेल्ड बाई माई टू टू अटैम्प की प्रिलिम्स ही नहीं हो रहा आई डिड माई सेकेंड मिस्टेक दैट वॉज आई अगेन स्टार्टेड रीडिंग फॉर दी प्रिलिम्स एग्जामिनेशन कि चलो एक साल फिर से अच्छी तैयारी करते हैं पता नहीं था कि क्यों नहीं हुआ बट देन पता था कि हाँ कट ऑफ रेंज में ही है तो अब एक डर होता है कि कट ऑफ रेंज में तो आपको लग रहा है क्या पता कि वो कट ऑफ रेंज है भी कि नहीं अभी भी यही होगा कट ऑफ क्या है पता नहीं है ठीक है कुछ एटी वाले भी पास हो गए कुछ नाइनटी टू वाले भी पास नहीं हो रहे तो ये था तो वाई आई से वाई आई सी दिस इज अस्टेक बिकॉज आई हैड वन फुल ईयर आई कुड हैव एक्चुअली प्रिपेयर फॉर माई मेन्स एग्जामिनेशन बट आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर माई मेन्स एग्जामिनेशन आई हैड टेकन सो मच टू माई हार्ट दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर प्रम्स एग्जामिनेशन अगेन विच वॉज रोंग ऑन माई पार्ट बिकॉज जब तक टू थाउजेंड फोर्टीन के सब बच्चे पास आउट हो गए तब पता पड़ा कि सेकेंड प्रिलिम्स नहीं हुआ था पॉइंट सेवन मार्क्स से तो पूरे साल पॉइंट सिक्स सेवन मार्क्स करने की जरूरत ही नहीं बट देन ठीक है जो हो गया हो गया क्यों गलती थी बिटवीन योर प्रिलिम्स एंड योर मेन्स एग्जामिनेशन आई लव टू यू नो टॉक अबाउट दिस इफ यू वुड हैव क्वालिफाइड योर प्रिलिम्स टूडे

दिस विल बी अनदर ट्वेल्व डेज थर्टीन डेज थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन डेज तो अगर हम दोनों को मिला रहे तो वी हैव अराउंड्रेड एंड टेन डेज हंड्रेड एंड टेन डेज है नहीं बट स्टिली फॉर माई मेन्स एग्जामिनेशन हंड्रेड एंड टेन डेज में आपको करना क्या है हंड्रेड एंड टेन डेज में यू हैव टू कम्प्लीट योर फर्स्ट हिस्ट्री सेकेंड जोग्राफी थर्ड सोसाइटी फोर्थ यू हैव टू गो फॉर पॉलिटी गवर्नेंस, फिफ्थ इज योर आयर, सोसाइटी सोशल इशूज को साथ में रखते हैं देन यू हैव योर सिक्योरिटी देन यू हैव योर इकोनॉमी, देन यू हैव योर साइंस टेक देन यू हैव एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट यू हैव योर एथिक्स यू हैव योर एस ए यू हैव योर पॉलिटिकल साइंस वन और ऑप्शनल वन यू हैव ऑप्शनल टू दिस इज थर्टीन सब्जेक्ट्स और इस थर्टीन सब्जेक्ट्स के लिए तो मैं हिस्ट्री को एक सब्जेक्ट गिन रही हूँ जबकि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है नहीं हिस्ट्री अपने आप में पांच सब्जेक्ट है बट स्टिल आई एम काउंटिंग हिस्ट्री एज वन सब्जेक्ट इफ आई जस्ट टॉक अबाउट आई हैव टू डू टू रिविजन ठीक है दो बार रिवाइज करना है या दो बार पढ़ना चाहिए सामने आंखों से चीजें जानी चाहिए आई हैव टू राइट एटलीस्ट एट टेस्ट एटलीस्ट एट टेस्ट फॉर जी एस एंड एटलीस्ट फोर टेस्ट ऑफ पी एस और ऑप्शन अगर फुल लेंथ भी दे रहे हैं सिर्फ तो

पॉइंट ये है कि उतना टाइम नहीं हो पाता है प्रोवाइड अगर आपके पास रेडीमेड नोट्स नहीं है तो इफ यू डोंट हैव वन पेज सिनॉप्सिस फॉर एवरी टॉपिक ऑफ योर मेंस इफ यू डोंट हैव वन पेज नोट फॉर एवरी टॉपिक ऑफ मेंस तब रिवीजन करना बहुत टफ होता है व्हाई एम आई शेयरिंग दिस बिकॉज़ आई द मिस्टेक इन 2000 15. In 2015, wherein I had to give my examination, the entire year of 2014 to 2015, I was focusing on my prelims. Had I focused on my mains, had I made my notes on mains, I would have definitely got something. But then, nahi hua, 2015 mein nahi hua then what happens is, once you get into that cycle, prelims, mains, prelims, mains, prelims, mains, that was the another trap that happened with me. So my attempts have been 2013.

एग्जामिनेशन हुआ mains का, फिर ब्रेक लिया दो महीने का क्योंकि इतने साल से पढ़ रहे फिर से दो महीने बाद ब्रेक लेने के बाद फिर से प्री पढ़ी चार महीने फिर, फिर मेंस के लिए उतना ही टाइम था फिर 2016 में मेंस नहीं हुआ फिर 2016 में प्रीलिम्स पास हुआ मेंस हुआ मेंस नहीं हुआ तो यही साइकिल थी प्रिलिम्सिनेशन

And I on my plan B. क्योंकि एक ही अटैम्प्ट बचाए पांच हो चुके हैं तो प्लान बी पे अप टू तो फोकस करो सो आई स्टार्टिंग ऑन माई प्लान बी विच वाई टीचिंग टू थाउजेंड एट सम प्लेसिजन अलोंग विद प्रिपेयरिंग आई हैड गुड अमाउंट ऑफ टाइम सो प्रिपेयरिंग फॉर प्लान बी एज वेल एज आई वॉज प्रिपेयरिंग आई स्टार्ट वर्किंग आई weaknesses. I started looking at the pattern. I started making notes. आई ऑल्सो डिड माई ऑप्शन फिर से एक बार पूरा पैटर्न चेंज हुआ तो ऑप्शन फिर से अच्छे से किया था टू थाउजेंड नाइनटीन आई गेव माई अटेम्प्ट आई गेव फिल्म एग्जामिनेशन आई गेव मीन्स एग्जामिनेशन आई ऑल्सो गॉट एन इंटरव्यू कॉल बट आई कुडन मेक टू द लिस्ट क्योंकि एक ही अटेम्प्ट बचा था बाई द टाइम समझ में आया थिंग्स हैड ऑलरेडी गॉन बियड थिंग तो दिस वॉज माई जर्नी सो वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू स्पेशली फोकस अपॉन इज

नॉट इवन रिटर्न कोई एक आंसर नहीं लिखा आज अच्छा तक जीवन में पहली बार हम लिखेंगे आंसर ठीक है ऐसा कोई नहीं है कुछ तो आंसर्स लिखे हैं ठीक है कुछ तो आंसर्स लिखे हैं कॉलेज में नहीं यूपीएससी की बात चल रही है कि यूपीएससी में आंसर्स नहीं लिखे हैं हाउ मेनी यू डॉट अच्छा हाउ मेनी यू गिवन टेस्ट बिफोर मेन्स का पेपर किसी ने दिया है टेस्ट टेस्ट पेपर दिए थ्री घंटे थ्री आवर्स बैठ के पेपर दिए ठीक है वी हैव सम ऑफ यू नाउ वन

सम ऑफ दफेयर को पार्क कर लो ऑप्शन आई बिलीवल पे सबका अलग लेवल से डील करना अब ये थ्री एंड हाफ मंथ में क्या करना है आपकी हमारी तरफ से भी यही रहेगा कि वी वुड लाइक टू गिव यून पेज नोट ऑर समॉपिक ऑफ योर जीएस यू शुड स्टार्ट शुड स्टार्ट लर्निंग अपना एक्टिव मोड ऑफ रिकॉल में जाओ क्योंकि इट इज नॉट प्रिलिम्स एनी मोर इट इज नॉट अबाउट रिकग्निशिंग एनी मोर यू हैव टू टॉक अबाउट पॉइंट्स यू शुड नो एटलीस्ट फाइव पॉइंट इफ आई से हाउ एथिक्स जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल हाउ एथिक्स कॉन्ट्रीब्यूट इन इंडिविजुअल वेलबींग एंड सोशल ये पांच हैं, ये पांच पॉइंट्स रखो ये पांच पॉइंट्स है ये पांच पॉइंट्स रखो ये तभी ही आएगा वेन यू आर इंटू एक्टिव रिकॉल आपने एक बार नोट्स बना लिए उसके बाद ना आपको

नहीं है यू डोट हैव टाइम टू थिंक देर द प्रेशर इन द एगामिनेशन इज लाइक दैट फॉर टेन मार्कर यू आर गि थ्री एंड फॉर टेन मार्कर यू हैव सेवन मिनट्स एंड फॉर फिफ्टीन मार्कर यू हैव टेन पॉइंट फाइव मिनट्स अगर आप देख के भी लिखोगे ना तो भी आपको दो साइड भरने में सात मिनट लग जाएंगे इफ यू वॉच एंड राइट और इफ़ यू जस्ट राइट वॉट इज कमिंग इन योर माइंड देन ऑल्सो टू फिल द टू पेजेस टू फिल द टू साइड सेवन मिनट्स पॉइंट क्या है पॉइंट ये है कि एग्जामिनेशन में सोच के क्रिएटिविटी करके टाइम नहीं है उतना यू विल हैव टू री राइट द एग्जामिनेशन दैट इज दैट इज द केस यू जस्ट हैव टाइम कि जितना याद है जो एक्टिव रिकॉल मेथड से याद है उतना लिख पाओ डिमांड को समझना सब पार्ट्स को देखना कि क्या पूछ रहा है कितने पार्ट्स पूछ रहा है और वहां पे लिखना उतने में ही सात मिनट निकल जाएंगे उतन वहां पे क्रिएटिविटी का स्कोप नहीं है क्रिएटिविटी अभी ही करने का स्कोप है अपने नोट्स में अपने एक्टिव रिकॉल मेथड में अपने ब्रेन स्टॉमिंग सेशन में कीप एटलीस्ट वन आवर ऑफ योर डे वट एवर यू आर रीडिंग इन योर बैक रूम दैट इज फाइन बट एटलीस्ट कीप वन आवर ऑफ योर डे

फोकस होना चाहिए ठीक है उसके बाद के जो तीन महीने हैं उसमें अब आपको चीजें आ चुकी रहेगी उसमें आपको इन दैट केस यू विल है योर मेन्स एग्जामिनेशन दैट इज वॉट इज नीडेड ठीक है सो विद आई विल स्टार्ट ऑफ वॉट शुड यू फोकस अपॉन सी इफ एज इफ यू आर वर्किंग राइट नाउ फोकस ऑल्सो ऑन दी स्टैटिक पोर्शन मतलब

अनदर टू फिफ्टी मार्क्स अगर एस ए की प्रोफिशंसी आ गई है तो दैट इज अरा सिक्स हंड्रेड मार्क्स इसके अलावा भी स्टैटिक पोर्शन है एनवायरमेंट में कुछ पोर्शन स्टैटिक होता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में भी कुछ पोर्सन स्टैटिक आता है वही दस डिजास्टर्स है वही पंद्रह डिजास्टर्स है उसी को घुमा के पूछता है तो स्टैटिक पोर्शन को अभी से ही बहुत स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो यूर हाफ एंड यूर ऑप्शनल ऑप्शनल तो दैट इज समिंग नॉट इवन से तो उसको भी अगर करते चलोगे तो फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ पोर्शन वुड बी वन टास्क दैट यू शुड ऑलवेज डू बिफोर स्टार्टिंग ऑफ योर सब्जेक्ट इज लुकिंग एट द प्रीवियस क्वेश्चन दिस इज फ्रॉम माई साइड स्टैटिक में है आपका सोसाइटी स्टैटिक में है आपका एथिक्स इन योर स्टैटिक यू हैव समयमेंट समिजास्टर मैनेजमेंट गवर्नेंस वाले जो पोर्शन है पॉलिटी नहीं पॉलिटी में कीप ऑन चेंजिंग टॉपिक स्पीकर पूछेगा कभी पूछ गवर्नर पूछ 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 ग्रुप होगा क्या काम करता है क्या नहीं काम करता है क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स है अगर कोई पॉलिसी आई है स्पेसिफिकली तो वो स्टैटिक का अदरवाइज इश्यूज तो सबके सेम ही है कि एनजीओ क्या है डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल्स दो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है क्यों उसको डेवलपमेंट इंडस्ट्री कहते हैं क्या इश्यूज है एनजीओ में गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी लाई हुई है वो भी तो पिछले तीन चार साल से सेम ही चल रही है ठीक है है तो जो स्टैटिक वाला पोर्शन ट्राई प्रिपेयरिंग दैट दैट इज आई टू से दिस डाउन द डिस्कशन इज ऑन सोसाइटी हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन योर सोसाइटी पोर्शन बिफोर कब किया था दो तो महीने पहले मार्च में मार्च में सोसाइटी पढ़ रहे थे पिछले साल मार्च में कौन सोसाइटी पढ़ रहा था पिछले साल अच्छा इस क्लास में नहीं खुद ने कब पढ़ाई की है ये बताओ खुद की पढ़ाई बताओ क्लास मत बताओ हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन सोसाइटी पढ़ा तो होगा जीएस क्लास जब की होगी तब चलो ठीक है क्रैश को सो आई बिलीव एट अम रैपिड पेस देर सोसायटी के लिए बोल देना लेट मी स्टार्ट ट विद सोसायटी इफ आई टॉक अबाउट सोसायटी हाउ मेनी टॉपिक्स आर देर इन सोसायटी सी देर आर टॉपिक्स फाइव सिक्स टॉपिक्स देर इन सोसायटी यू हैव डायवर्सिटी ऑफ इंडिया यू हैव वुमेन एंड दसोसिएटेड इशूज

पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री पे दम मत तोड़ देना अगर पढ़ना भी है तो अभी ही पढ़ के उसके नोट बना के साइड में रख लो ठीक है कि हाँ मुझे दस दिन देने वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस को दस दिन वर्ल्ड हिस्ट्री पांच दिन पोस्ट इंडिपेंडेंस मैंने नोट बना के साइड में रखिए अगर क्वेश्चन पूछा तो ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन पूछेगा मैं ये एक क्वेश्चन के लिए पाँच दिन दूंगी एक क्वेश्चन के लिए छह दिन दूंगी उससे ज्यादा दम नहीं तोड़ूंगी तो जीएस पेपर वन में सोसाइटी वाला ऐसा टॉपिक है कि छह छह क्वेश्चन टॉपिक है चार क्वेश्चन आते हैं कैसे लेट सी दैट सो दीज आर दी टॉपिक सिक्स टॉपिक्स डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया फीचर्स ऑफ इंडिया यू हैव पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशूजेशन एंड एसोसिएटेड इशूज अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है एक सीधा ही है कम्युनलिज्मीजनलिज्म

मिनिमम अगर कुछ रहा है तो 40 मार्क्स का रहा है दैट हैज बीन इन 2013 2013 में पैटर्न चेंज हुआ तो 40 टू 50 टू 60 टू 75 मार्क्स दिस दे हैव बीन आस्क्ड लास्ट ईयर दे आस्क्ड ऑफ 60 मार्क्स ठीक है दिस इज व्हाट इज द पैटर्न वी विल यू विल गेट दिस पीपीटी इन एनी केस 2013 में चार क्वेश्चंस पूछे थे एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन मैंने बोला आता ही है छह टॉपिक्स हैं पहला वाला है डिस्कस द वेरियस सोशल प्रॉब्लम

फीमेल ऑर्गेनाइजेशन वुमन ऑर्गेइजेशन देन यू हैव दिस वॉज वुमेन रिलेटेड इशूज देन यू हैव द्लोबलाइजेशन इन द एजेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ग्लोबलाइजेशन का किसी भी इंपेक्ट पूछ सकता है ग्लोबलाइजेशन का इम्पेक्ट ऑन वुमन ग्लोबलाइजेशन का इम्पेक्ट ऑन पीडब्ल्यूडीज

हाउ डू इंडियन डिबेट्स ऑन सेकुलरिज्म डिफर फ्राम दैट ऑफ देश यू हैव पी एस आर ऑप्शन है तो फिर ये तो आपके लिए केक हुआ क्या सेक्युलरिज्म इंडिया और वेस्ट पे कैसे डिफर करता है दिस इज टू थाउजेंड फोर्टीन फिफ्टीन अगेन अगर देखोगे चार से पांच क्वेश्चन है एक एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन है अगर टॉपिक भी प्रिपेयर करते हो ढंग से तो फैम वुमन पे क्वेश्चन है पॉपुलेशन असोसिएटेड प्रॉब्लम्स पे है सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी पे क्वेश्चन है यू हैव दी वर्किंग क्लास वुमेन एंड पेट्री आर की दिस इज द

ट्रेंड बदली है विद इन एंड आउटसाइड इंडिया इन दी द रिसीन 1970 से कैसे लेबर माइग्रेशन चेंज हुआ है माइग्रेशन आपका प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन भी एक उसमें आता है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज में क्या क्या आता है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज में पॉवर्टी आती है पॉपुलेशन ग्रोथ आता है आपके डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स आते हैं सेक्स रेशो की बात होती है यू टॉक अबाउट एजिंग पॉपुलेशन जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है सो दिस इज ऑल बीन आस इवन माइग्रेशन इज वन ऑफ देम देन

स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के बारे में बात करें अर्बनाइजेशन से लिंक किया है कि बताओ क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है अर्बन इंडिया में और इसको कैसे स्मार्ट सिटी के प्रोविजन डील करेंगे फिर लास्ट वाला टॉपिक है रीजनलिज्म पे लास्ट में यू हैव रीजनलिज्म कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म एंड अदर दिस इज अबाउट रीजनलिज्म कि रीजनलिज्म क्यों होता है व्हाट आर द रीजन फॉर द रीजनलिज्म तो दिस इज अबाउट 2016 सिमिलरली वी विल शेयर दिस विद यू 17 18 19 पे भी आप देखोगे कि हर टॉपिक पे एक क्वेश्चन पूछा ही है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया चार एलिमेंट्स बताओ लीगल प्रोविजंस इनिशिएटिव्स बताओ जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं, दी टॉलरेंस एंड लव इज नॉट ओनली द फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी बट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव ये हमारी सोसाइटी का एक यूनिक फीचर है और इसने बहुत अर्ली टाइम से है और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन अप टू दी प्रेजेंट टाइम अभी भी लव और टॉलरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीज रिलॉजसिटी एंड कम्यूनलिज्म

दैट इज वॉट इज यूर सपोज टू जैसे एक टॉपिकट हुआ तो एटलीस्ट आपको पता है कि ये क्वेश्चन में इफ़ आई गो फॉर दिसन क्वेश्चन तो पहला टॉपिक जब पढ़ रहे हैं तो उसके बाद पता होगा कि ये टॉपिक्स आपके पूछ रहे हैंड आउट सबको हैंड आउट मिल गया हाउ मेनी गो आउट एन आस्क कितने कितनों को नहीं मिला लेट्स काउंट फर्स्ट हाउ मेनी यू हैव नॉट गॉट 1 2 3 थ्री पीपल यू हैव नॉट गॉट प्लीज गो आउटसाइड एंड आस्क व्हाट यस यस टेस्टो सिलेबस साथ में प्रोग्रेस करेगा पहली तीन टॉपिक्स फॉर द फर्स्ट थ्री डेज इट इज सोसायटी वी विल ट्राई टू वाइंड अप सोसाइटी इन दीज थ्री डेज देक्स्ट थ्री डेज यू विल्ड कल्चर दट इज मंडे टू सैटरडे ऑन संडे यू विलेस्ट ऑन सोसायल टेस्ट सो फार एस वट पोर्स आई प्लान टू टेक आई प्लान टू टेक सोसायटी आई प्लान टू टेक जोग्रफी एंड एनवायरमेंट दैट इज वॉट माई एक्सपर्टीजी एथिक्स एंडिक्स का पता नहीं है अभी वैसे ठीक है पहले यहाँ पे डिबेट चालू हो जाएगा ठीक है सो एटलीस्ट सोसाइटी जोग्राफी एनवायरमेंट इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू टेक एंड यस यू गॉट दिस यू हैव योर क्लासेज ऑल्सो आई बिलीव वहाँ पे बात कर लेना उसकी ठीक है कि कैसे होने वाला है नो रिवोल्ट टू बी टेकन इन द क्लास बाकी कर बाकी बाद में जाके रिवोल्ट कर लेना नाउ आई स्टार्ट ऑफ माई टॉपिक माई टॉपिक इज दिल्ड फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी

society is nothing but an interaction among the various societal members it is a it is a social relation that is based on the interaction among the members as a child you interact with your family members as you grow you interact with your peers as you go further you interact with the various agencies of society the various agencies of societies are what family school peers you have your other agencies of society religion media so all that interaction that takes place forms a part of your society

तो डिस्ट्रिक्ट की लैंग्वेज को समझो इफ यू अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट इफ यू कैन कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट यू कैन कनेक्ट विद द पीपल इन अ बेटर मैनर सो दैट इज यू आर सडिंग सोसाइटी इफ आई टॉक अबाउट दी सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी आई कीप अस अबिट इंटरव पहला टॉपिक है सेलेंट फीचर्स बताने सोसाइटी के नो लुक्स एट द नोट स्टार्ट थिंकिंग क्या फीचर्स है हमारी सोसाइटी के आई डीड वन वन पॉइंट फ्रॉम ईच वन ऑफ यू बताओ वट आर द फीचर्स

एंड समथिंग एल्स हाँ डिविजन ऑफ सोसाइटी इन इक्वालिटी कास्ट सिस्टम बोल दिया और क्या फीचर है सोसाइटी का पेट्रियर की बोला ना हाँ हाँ ठीक है मल्टी कल्चरल मल्टी लिंग्वल है मल्टी रिलीजियस है मल्टी रीजनल रीजनल हमारी एफिलियज द फीचर्स ऑफ आर सोसाइटी हम सब देखते हैं वही फीचर लिखे हुए हैं सोसाइटी के लिए देख लो द फर्स्ट फीचर इज पेट्रीआर की यू हैव कास्ट सिस्टम caste based discrimination be a stratification a stratification the division of the society into various stratas. that is there is differences in economy there is differences in the region there's differences in religion so you have stratification in your society fourth is diversity you have all kind of diversity you have linguistic diversity you have ethnic diversity you have religious diversity you have regional diversity you have racial डाइवर्सिटी इंडिया में सारी डाइवर्सिटी है लैंग्वेज की रिलीजन की रेशियल फीचर्स रेशियल क्या होता है रेशियल फीचर्स 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 दी बायोलॉजिकल वी वी ऑल ऑल हैव डिफरेंट डिफरेंट बिलोंग टू रेस हमारे यहाँ पे इंडो आरियन रेस भी है मोंगोलॉइड रेस भी है यू हैव टिबितो मोंगोलॉयड यू हैव इन पॉपुलेशन वी हैव मेडिटरेनियन पॉपुलेशन और बहुत सारे हम तो मिक्सड पॉपुलेशन है ठीक है मिक्सड रेस है हमारे

ट्रेडिशनल ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल फीचर्स एज वेल एज मॉडर्न फीचर्स वी आर ऑन द कस्प ऑफ मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनलिज्म इसीलिए बहुत सारे सोसाइटी में इशूज भी आते हैं जो अभी जैसे इशूज आ रहा है शुड वुमेन बी अलाउड इन टेम्पल

हाई कोर्ट के जजमेंट्स आए केरला केरला कोर्ट का आया है कर्नाटक कोर्ट का, का जजमेंट आया हुआ है कि क्या ऑप्सीन एक्ट है क्या ऑप्सीन एक्ट नहीं है क्या अडल्ट्री है क्या नहीं अडल्ट्री है व्हाट अबाउट व्हाट इज सेक्सुअल असोल्ट व्हाट इज नॉट सेक्सुअल असोल्ट तो वी आर एज सोसाइटी ऑन द कस्ट ऑफ मॉडर्निटी एज वेल एज ट्रेडिशनलिज्म हमारा दोनों ही है इसलिए हमारा कल्चरल लैग भी है कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के कल्चर्स अलग हैं नॉर्म्स अलग हैं फ्रीडम की uh, की आइडियाज अलग हैं और कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के फ्रीडम की आइडियाज बहुत अलग हैं सो दैट वाज ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी एंड यू हैव सेक्युलरिज्म एज वन ऑफ द फीचर एंड वी हैव मल्टी द फीचर हम लोग सेक्युलर सोसाइटी है वी हैव वन ऑफ देम एज अ फीचर दो ये वर्ड कितना सही है कितना सही नहीं है आई हैव बीन वॉचिंग पी लेक्चर्स सो ये वर्ड कितना यूज होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए दैट इज स्टिल डिबेटेबल ठीक है वहां पे मुझसे आके पूछ लेंगे कलेक्टिविज्म इज इंडिविजुअलिज्म का ऑपोजिट अमेरिकन सोसाइटी इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक यू 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 बिकम कैन फाइंड योर ओन पाथ बट इन इंडिया वी स्टिल लिव विद अ फैमिली वी बिलीव इन कलेक्टिव सो कलेक्टिविज्म इज ऑपोजिट ऑफ इंडिविजुअलिज्म ठीक है आई बिलीव आप लोग पढ़ रहे हो नोट्स में क्या है एंड कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछोगे ठीक है व्हाट इज मल्टीकल्चरलिज्म मल्टीकल्चरलिज्म मींस एग्जिस्टिंग पीसफुल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द

हमारे यहाँ पे मल्टीकल्चरलिज्म तो है बट मल्टीकल्चरलिज्म भी दो टाइप का हो सकता है अदर टाइप ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म कैन बी दी मेल्टिंग पॉट सो वी हैव मल्टीकल्चरलिज्म द मल्टीकल्चरलिज्म कैन बी ऑफ टू टाइप्स वन यू कैन हैव सैलिड बोल टाइप

ये हमारा मल्टीकल्चरलिज्म नहीं है हमारा मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो सैलेड सैलेड बोल बोल टाइप ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म व्हाट इज सो इफ यू हैव 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 अ बिग सैलेड यू 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 कैरेट अदर थिंग्स ईच वन ऑफ देम टुगेदर दे गिव अ यूनिक फ्लेवर बट ईच ऑफ द फ्लेवर इज आल्सो रिटेन हर एक का अपना एक इंडिविजुअल फ्लेवर रिटेन होता है साथ में रखोगे तो एक अपना यूनिक फ्लेवर है बट हर एक का इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं हुआ है सब्ज्यूम नहीं होके अपना फ्लेवर मेंटेन किया। ये वही डिबेट होता है बिटवीन इंटीग्रेशन व एसीमुलेशन इंटीग्रेशन एंड एसिमुलेशन करें क्या ट्राइबल पॉपुलेशन को जब हम साथ में रखना चाह रहे हैं ये डिबेट था व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट तो हाउ डू यू डील विद ट्राइबल पॉपुलेशन शुड ट्राइबल पॉपुलेशन बिकम अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन यानी हमारे जैसे ही कपड़े पहने हमारे जैसे सेलिब्रेट करें हमारे जैसे ही खाना खाएं या उनकी अपनी आइडेंटिटी रिटेन होनी चाहिए तो यही वही डिबेट है कि ईच वन ऑफ अस हैव देयर ओन यूनिक आइडेंटिटी ईच रिलीजन ईच कलर ओन आइडेंटिटी एंड टूगेदर वी हैव वन फॉर्म ऑफ इंडियन वट काइंडस्टम डू वी हैवी है मल्टीकल्चरिज्म तो वही नीचे लिखा हुआ है इफ यू लुक एट दिस द थर्ड पॉइंट देर आर टू स्कूल ऑफ थॉट कंसर्निंग मल्टी कल्चरलिज्म दैट इज मेल्टिंग पॉट एंड सैलड बोल वॉट इज मेल्टिंग पॉट पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर मेल्ट टूगेदर डेजर्टिंग डेजर्टिंग मीन्स गिविंग गिविंग अप देर कल्चर एंड गेट फुली एसिमुलेटेड विद इन द प्रिडोमिनेंट सोसाइटी हाउ एवर इन सैलड बोल इट डिस्क्राइब्स अट्रोजीनियस सोसाइटी सोसाइटी अलग हैोजनस सोसायटी वे डिफरेंट कल्चर यू हैव यूर ओन थिंग हैव डिफरेंट नॉर्म्स दे हैव डिफरेंट नॉर्म ऑफ मैरिज समेवेंट कस्टम्स कस्टम्स सो वी हैव सैलिड बोल ऑफ कल्चर इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैलिड बोल कंसेप्ट ऑफ मल्टी कल्चरिज्म वी आर बाउंडेड बाईट वन इंडिविजुअल कल्चर बट वी हैव डिफरेंट कल्चर ऑल्सो तो हमारा एक कॉमन पॉलिटिकल कल्चर है हमारा एक कॉमन इकोनॉमिक कल्चर है सारे ही चोर हैं ठीक है हमारा सेम पॉलिटिकल कल्चर है हम डेमोक्रेसी में बहुत बिलीव करते हैं हमारा एक यूनिक सोशल कल्चर है हमारा एक स्पोर्ट का कल्चर है सबको ही क्रिकेट पसंद है तो वी हैव वन कॉमन कल्चर वी हैव सम कॉमन कल्चर बट वी हैलग हमारी सोसाइटी में कल्चरल ऑफ द सोसाइटी दे आर एट अ डिफरेंट पेस ऑफ मॉडर्निटी अलग पेस ऑफ मॉडर्निटी है और सम फीचर्स ऑफ सोसाइटी दे आर ए डिफरेंट पेस ऑफ मॉडर्निटी कल्चरल लैग को दो तरीके से समझ सकते हो एक तरीका यह है कुछ सेक्शन दे हैव डिफरेंट आइडियाज ऑफ मॉडर्निटीज एक तरीका और कल को देख सकते हो कि इस दो वी बाय द फूड दैट वी वेर वी है हम वेस्टर्नाइज हो गए बिकॉज ऑफ द फूड है वे वी अटायर एवरीबडी ऑलमोस्ट वी वी हैव द

Lag. that you you dress like Western you you think like West you eat like Western you go out being on the western ideas but when it comes to thinking process when it comes to giving freedom when it comes to being democratic then still we have some elements that are at a lagging thing so cultural lag cultural lag arises due to difference in a pace at which the tangible and the non-tangible aspect of the culture,

this basically is a part of a bigger debate you have a bigger debate the debate is westernization and modernization this is one of the bigger debate what is westernization westernization is blind imitation of the western ideas you simply imitate what the west says what is the what is the west doing that is the best thing modernization is you don't blindly imitate what the west does but you

क्योंकि ब्रिटिश पॉपुलेशन आई द ब्रिटिश पीपल दे टू रूल अस वेन दे केम टू रूल अस, अस। दे दे डूइंग? टू लग रहा था कि हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं बट एक्चुअली हम मॉडर्नाइज नहीं हो रहे थे हम वेस्टर्नाइज हो रहे थे एक आपकी स्पेक्ट्रम में लाइन भी है कि दे वॉन्टेड टू क्रिएट दैट इज वेस्टर्न इन टेस्ट एंड वेस्टर्न इन आइडियाज वेस्टर्न टेस्ट तो बना दिया बट वेस्टर्न आइडियाज़ सारे एलिमेंट्स नहीं हुए ठीक है तो यही इसको कल्चरल लैग में आप ब्रैकेट में लिख सकते हो वेस्टर्नाइजेशन वर्सेस मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन वर्सेस मॉडर्नाइजेशन ठीक बिकॉज वी हैव टच ऑन वेस्टर्नाइजेशन वर्सेज मॉडर्नाइजेशन आई बिलीव ऑन योर पेज थ्री If you open page three, page three में लिखा है, or है? तो वेस्टर्नाइजेशन यानी क्या है कल्चर ऑफ द वेस्ट आप ट्रेडिशन पुराने ट्रेडिशन को छोड़ दोगे जो वेस्ट कर रहा है हम वो करेंगे वेर एज मॉडर्नाइजेशन क्या है इट रेफर्स टू प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड अदर एटीट्यूड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ

मॉडर्न एक्ट दॉज मॉडर्नाइजेशन प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन था तभी ही राजा राम मोहन रॉय को क्या कहते हैं राजा राम मोहन रॉयड ही बिलीव इन मॉडर्न आइडियाज प्रोग्रेसिवली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं टू अपहोल्ड दायर वैल्यूज टू अपहोल्ड द करेक्ट वैल्यूज ठीक है दिस वॉज अबाउट यहां पर लिखा है फूड हैबिट्स क्लोथ्स एंड म्यूजिक प्रेफरेंस वेस्टर्नाइजेशन किस पे लिमिटेड है फूड पे क्लोदिंग uh, पे एंड योर म्यूजिक प्रेफरेंस यू आर जस्ट इमिटेटिंग दैट वेर एस मॉडर्नाइजेशन इज द फंडामेंटल चेंजेस इट ट्राइज टू ब्रिंग द फंडामेंटल चेंजेस दैट ब्रिंग्स अ चेंज इन योर वैल्यूज योर एटीट्यूड योर थिंकिंग प्रोसेस अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स यहाँ पे लिखा भी है आई थिंक ऑब्जर्वेशन में अगर देखो तो मॉडर्न वेस्टर्नाइजेशन परस इज नॉट रॉन्ग

बट वेस्टर्नाइजेशन पे रुकना नहीं है के साथ साथ अगर आप फूड, क्लोथ, म्यूजिक को 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 प्रेफरेंस चेंज 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 कर रहे हो, तो अपनी आइडियाज़ भी 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 करो, करो, करो। अपने को भी करो, अपने वैल्यूज़ डोंट डोंट बी, रिमेन, यू नो, अ मैन मॉडर्न ड्रेस, स्टीरियो टाइप्स वो नहीं होना चाहिए यू शुड हैव हायर वैल्यूज यू शुड हैव चेंज इन दी एटीट्यूड तो दिस इज अबाउट मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन ठीक है हम कहाँ देख रहे थे वेर वेर we? वी वर एट दी फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी क्या फीचर्स हैं इंडियन सोसाइटी के आई जस्ट रिपीट इट फॉर यू पेट्रियार की कास्ट सिस्टम यू हैव मल्टी कल्चरलिज्म सॉलिड बोल फॉर्म ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी देर आर डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू India is at the cusp of tradition and modernity. That is one of the features. You have other features like there is a lot of diversity, linguistic diversity, racial diversity, other form of diversity. If you can even take five, seven points, and if you can remember this, at least up one, four, five questions. At least, purane ke purane saal ke teen, four questions to aap kar Okay, that is what the idea is. Yes. Yes. सी इफ द टॉपिक इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी देन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा डेफिनेशन मत लिखो मतलब पेट्रीआर की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है बट क्योंकि सिर्फ हेडिंग लिख रहे हो तो वो बहुत ब्लैंड लगता है इज स्टूडेंट इज राइटिंग अगर वो सिर्फ हेडिंग्स लिख ले तो इतना मजा नहीं आता पढ़ते हुए वॉट यू कैन डू इज यू कैन एटलीस्ट राइट सम एग्जाम्पल वेन यू से पेट्री आर की यू कैन सेवर दोल ओवर दी वीमेन ठीक है उसमें कुछ एग्जाम्पल लिख लो कि कितने वुमेन

ओके और ओके फाइन डाइल्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पेट्रिया और और या राइज ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम कलेक्टिविज्म वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिविजुअलिज्म और ठीक है फाइन सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा बताओ

बिकॉज ऑफ ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूशन ये तो लॉ है लॉ ना सिर्फ बिहेवियर को चेंज करता है योर लॉ ओनली चेंजेस योर बिहेवियर यू टू हैव मेंटल रीस्ट्रक्चरिंग इट इज समथिंग एल्स हाउ डू वी स्टार्ट मेंटल रीस्ट्रक्चरिंग वी स्टार्ट मेंटल रीस्ट्रक्चरिंग बाय बाय एजुकेशन बाय सेक्युलर एजुकेशन हमारी आप सेक्यूलर एजुकेशन है देर वॉज अ टाइम वाई कास्ट सिस्टम वॉज सो प्रेवलिट बिकॉज वही एजुकेशन होती थी ब्राह्मण्स को एजुकेशन ब्राह्मण्स क्षत्रिय्स को एजुकेशन क्षत्रिय्स वैशियस एजुकेशन वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द वैश्य पॉपुलेशन नाउ व्हाट हैज हैपेंड वी हैव सेक्युलर एजुकेशन वी हैव कास्ट न्यूट्रल जॉब्स वी हैव अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन सब जा रहे हो लोकल में सब जा रहे हो मेट्रो में कौन पूछ रहा है जा रहे हो होटल्स पे कौन पूछ रहा है कि कौन सी कास्ट का आदमी नहीं खाना बनाया है कौन सी कास्ट का आदमी बाजू में बाजू में खड़ा है तो सेक्यू योर मॉडर्नाइजेशन योर ऑर्गेनाइजेशन सेक्यूलर एडुकेशन रैशनैलिटी मोर यस यस वेरी गुड इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल मोबिलिटी ज्यादा सोशल मोबिलिटी हो रही है बिकॉज ऑफ अगेन बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ एडुकेशन बिकॉज ऑफ अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज कैन आई से वन मोर फीचर इज That, पता नहीं मैं पूछ परमिशन लेके पूछ रही हूं इंक्रीज इन रेसिटी देर इज इंक्रीज इन रेसनालिटी देर इज इंक्रीज इन दाइंटिफिक्वेश्चन दिस शोज दैट हां कहीं ना कहीं अभी भी रैशनलिटी बची हो तो देर इज इंक्रीजिंग इन साइंटिफिक टेंगे पूछेगा सेल इन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी

फीचर समझ आया सेकेंड देखो इंडियन सोसाइटी हैज चेंज फ्रॉम एंशियंट टाइम टू प्रेजेंट टाइम दैट दिस इज वॉट वी डन सोसाइटी क्या है अरे ठीक है वॉट इज सोसाइटी वाई डू वी सनी सोसाइटी वॉट आर द फीचर्स ऑफ सोसाइटी वॉट इज द क्वेश्चन वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क यू दे कैन आस्क यू डिस्क्राइब एनी फोर कल्चरल एलिमेंट ऑफ डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी जब पढ़ेंगे तब उसमें फोर कल्चरल एलिमेंट्स और भी देखेंगे बट एटलीस्ट आपको आपको चार एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी पता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी रिलीजियस डाइवर्सिटी यू हैव योर एथनिक डाइवर्सिटी यू हैव रेशियल डाइवर्सिटी चार एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी है हैव रिलेट देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंस इन बिल्डिंग अ नेशन आइडेंटिटी वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच ऑफ दीज डाइवर्सिटी इन बिल्डिंग अ नेशन आइडेंटिटी इफ आई टॉक अबाउट लैंग्वेज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेटिकली ऑर्गेड हमारे स्टेट्स पंजाबी पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र गुजरात लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ये हमारा एक बहुत बड़ा इट कुन एलिमेंट ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ द एंटायर इंडिया सोचो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ हमारी लिटरेसी सिर्फ 16 परसेंट थी टुडे इट्स अराउंड 80 परसेंट इट वॉज ओनली सेवेंटीन परसेंट लिटरेसी दू आज के जो, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि कास्ट जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ यू नो कंसेप्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन प्योर कुछ प्योर कास्ट है कुछ इनप्योर कास्ट है इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पेरोल आइडेंटिटीज लाइक like लैंग्वेज के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ये उस गाँव से आया हुआ है उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ये बहुत ज्यादा था हमारी पेरोकिल आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी सत्रह परसेंट लिटरेसी है लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि पेरोकिल आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी कि हमारी लैंग्वेज क्या होगी इंग्लिश अडॉप्ट करना है हिंदी अडॉप्ट करना है अगर हिंदी अडॉप्ट करना है तो साउथ वाले दे आर दे आर टू मच कंसर्न दैट हाउ विल बी हाउ विल द एडमिनिस्ट्रेशन रन वट अबाउट ज जिसपे आपके यूपीएससी के क्वेश्चन होंगे अभी भी लगता है ना हिंदी वालों को डिस्क्रिमिनेशन लगता है कि हमारे कम है बढ़ रहे हैं कहीं मटीरियल कही, नहीं है कहीं ना कहीं कोचिंग नहीं है एवरी यूट्यूब वीडियो आप देखोगे की हिंदी में पढ़ाओगे क्या हिंदी में कोचिंग मिलेगी क्या तो क्या लैंग्वेज अडोप्ट करें इन दिनिस्ट्रेशन क्या ऑफिशियल लैंग्वेज अडोप्ट करें क्या स्टेट वाइज

दस पंद्रह बीस साल पे कि अभी टूटेगा अभी टूटेगा कि अभी टूटेगा बट देन दैट डाइवर्सिटी इफ वी वुड हैव नॉट बीन एबल टू मैनेज दैट वुड हैव बीन एन इशू बिकॉज वी वर एबल टू मैनेज दैट डाइवर्सिटी दैट हैज नाउ नाउड इन वॉट दैट हैज इन नेशन

सिमिलरली रेशियल डाइवर्सिटी है इंडिया में इतनी सारी रेशियल डाइवर्सिटी है इफ़ यू लुक एट वर्ल्ड ओवर देर डिस्क्रिमिनेशन ऑन दाइट वर्सेज नॉन वाइट ठीक है डेवलप नेशन ऑल्सो दे इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ वाइट वर्सेज नॉन वाइट बट इन इंडिया दो वी माइट है हम लोग की डाइवर्सिटी हमारी जो रेशियल डाइवर्सिटी है वो इतनी मिंगलिंग हो चुकी है इंडियन पॉपुलेशन द रेस दैट वी हैव हमारे दादाजी पर दादाजी बहुत एडवेंचरस थे ठीक है तो हमारी कोई रेस प्योर बची नहीं है अभी जो अभी जो इन्वेस्टमेंट uh, हो रही हैं गवर्नमेंट से टू फाइंड प्योर रेस लेट्स सी हाउ डैट ठीक है तो दीज आर दीज आर दिलीमेंट ऑफ डाइवर्सिटी सेकेंड वॉट मेक्स इंडियन सोसाइटी इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर क्यों हमारी सोसाइटी अपना एक कल्चर बचा पाई है बिकॉज सैलिड बोल ऑफ कल्चर मल्टी कल्चरिज्म है टॉलरेंस है पीस है ठीक है वी बिलीव इन ब्रदरहुड कई सारे रिलीजन ऑल्सो दे टॉक अबाउट ब्रदरहुड यूनिवर्सैलिटी में हम यूनिवर्सलिज्म में यूनिटी इन डाइवर्सिटी में हम बिलीव करते हैं तो वाई वॉट मेक्स इंडियन सोसाइटी इन सस्टेनिंग इट्स कल्चर दिस वन ठीक है वाई इज इंडिया कंसिडर टू बी सब कॉन्टिनेंट इलेबोरेट ऑन योर आंसर इंडिया इज कंसिडर टू बी सब कॉन्टिनें यानी हम कंट्री नहीं है हम एक सब कॉन्टिनेंट है जितना एक कॉन्टिनेंट में डाइवर्सिटी हो सकता है सब कॉन्टिनेंट बन चुके हैं हमारे पास लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है यू हैव हिल्सो माउंटेस यू हैसेस अब यह मत सोच के आना किफी का सोसायटी कि का आंसर है वहां पर जितने आएंगे, उतने लिख के आना जितना जर्नलिस्ट रहोगे मिलेंगे इंडियन सोसाइटी हाउड इंडिया हाउड इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन दी ट्रेडिशनल वैल्यूज हमारी क्यों कंटिन्यूटी है ट्रेडिशनल वैल्यूज में चेंजेस दैट इज टेकिंग प्लेस

तो एग्जाम में सात पॉइंट ही लिख के आ पाओगे इंट्रोडक्शन डायग्राम उतना ही लिख के तो हर चीज के लिए सात से दस पॉइंट याद करो कि क्यों हमारी यूनिक कल्चर है क्यों हम सस्टेन कर पा रहे हैं और क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं डिस्कसिंग दैट डिपेंड ऑन इलेबोरेट लिखा हुआ है ना अगर इलेबोरेट लिखा हुआ है अगर डिरेक्टिव वर्ड डिस्कस होता तो उसका प्रपोर्शन बढ़ जाता क्योंकि इलेबोरेट लिखा हुआ है तो आप कंक्लूजन में बस पास कर सकते हो यू कैन मैंने क्वेश्चन तो मैं इक्वली हिस्सा देती हाँ सब कल्चर है सब कॉन्टिनेंट है इतनी डाइवर्सिटी है बट देन इसका कंटेक्सट क्या है कंटेक्सट है कि सब कॉन्टिनेंट इसलिए बोला था ताकि ब्रिटिश हमारे अंदर नेशनलिज्म नहीं तो ब्रिटिश ने ये टर्म यूज किया था बट देन आपको क्योंकि यहां पे इलेबोरेट बोल रहा है तो आप सिर्फ conclusion में लिखोगे. Directive word पे depend करता है कि किसको कितना proportion दोगे ठीक है मोर इम्पोर्टेंट यस मोर इंपोर्टेंट ओके द इंडियन सोसाइटी हैज चेंज फ्रॉम एंशियंट टाइम टू द प्रेजेंट टाइम

सिर्फ लिस्टिंग पढ़ के मजा नहीं आता कि ऐसे लग रहा है कि रट्टा मारना है रट्टा हेडिंग्स का मारना है बट वहां पे उतना इनोवेशन रखना कि उसको एक्सपैंड कर सको ठीक है बताओ एनीबडी एल्स लिखोगे ये चार आंसर्स? नहीं नहीं इट डिपेंड देर इज नो वन आंसर देर वुड बी नो वन मॉडल आंसर वॉट एवर यू थिंक यू कैन कन्विंस इट बेटर यू कैन

ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम दिख रहा तो है पहले का सिस्टम था हेरारकी के ऊपर ब्रह्मी क्षत्रिय पहले का सिस्टम था सेपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर की दे वुड बी नो कॉन्ट्रैक्ट यू के नॉट टच मीफ इफ अफ अ चांडाल इस untouchable is coming during the gupta times it had to ring it had to ring the vessel they had to spit in the same vessel they could not take the water from the wells there was separation of the contact even the shadow was considered polluting that is what the caste system was then ठीक है फिर ऑक्यूपेशनल डिविजन था ब्राह्मण ये कर सकते हैं क्षेत्रियस ये करेंगे वैश्य ये करेंगे शूद्रास ये करेंगे तो ये जो फॉर्मेट है उसके बाद लिखा हुआ है फोर्सेस ऑफ चेंज क्यों चेंज होने लगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो क्या क्या है मुंबई में तो इतनी छोटी जगह में सब रह रहे हो फॉर दैट मैटर राजेंद्र नगर में भी ठीक है तो अर्बनाइजेशन के कारण क्या सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट बचेगा क्या डिविजन ऑफ लेबर बचेगा देन यू हैव स्टेट का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन

क्या पहले था क्या फोर्सेस ऑफ चेंज है और क्या अभी कंटेम्प्री रियालिटी है तो जब आपसे पूछ रहे हैं कि सोसाइटी कैसे चेंज हुई है फीचर्स कैसे चेंज हुए तो यही फॉर्मेट रखोगे पहले क्या था ऑन वन साइड यू विल राइट वॉज देन वट इज नाउ एंड हाउ इट हैज चेंज यू कैन यूज द सेम दिस वन सेम टाइप कि पहले ट्रेडिशनल ये था ये फोर्सेज ऑफ चेंज है और ये अभी हो रहा है क्वेश्चन क्या था हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या फीचर्स हमारे चेंज हुए तो so, पहले हम देखेंगे क्या ट्रेडिशनल फीचर्स थे क्या चेंजेस हुए क्यों चेंज हुआ है और क्या चेंजेस आए हैं ठीक है तो गो बैक टू योर फर्स्ट पेज और सेकंड पेज तो व्हाट वाज़ द फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी इनिशियली इन द टाइम इन द टाइम दे वॉज हेर एंड ज so, आपको मिलेंगे और क्या आपका डिस्क्रिमिनेशन होगा डिसाइड हो गया तो ये हमारी पहले की सोसाइटी है वर्ना बेस्ड डिविजन था स्ट्रॉन्ग रिलीजियस ओरियंटेशन था कलेक्टिविज्म था

अच्छा स्टेटस नहीं है बॉय इन दी पेट्रियार्किकल सोसाइटी इंजॉयड अ बेटर स्टेटस डोमिनेंट कास्ट में पैदा हुए हो तो अच्छा स्टेटस होगा डोमिनेंट कास्ट कौन सी कास्ट है जिसके पास जिसके पास इकोनॉमिक पावर है पॉलिटिकल पावर है जैसे कि लैंड इफ यू हैव लैंड इफ यू हैव लैंड इफ यू हैव नंबर्स एंड इफ यू हैव पॉलिटिकल पावर यू हैव डोमिनेंट कास्ट डोमिनेंट कास्ट जैसे कि लिंगायत्स यादव्स दे हैव

इन आवर सोसाइटी अपना रिलीजन खुद देखो अपना कितना इंपॉर्टेंस देना है खुद देखो रिलीजन राधर गवर्न ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ बर्थ के टाइम पे रिलीजन मैरिज के टाइम पे रिलीजन डेथ के टाइम पे रिलीजन कौन सा

हम ग्रुप आइडेंटिटी को इतना फोकस क्यों देते हैं तो उससे क्या होगा तो साथ में चलना है इसलिए कलेक्टिविज्म प्रिजर्वेशन ऑफ लैंड ठीक है और ट्राइबल लिविंग ठीक है ट्राइबल स्टेटस था तो ग्रुप से हमको आइडेंटिटी मिलती थी सेफ्टी पर्पस के लिए The main reason is safety. The safety can either be in the form of living together in group, it can be preservation of economic status or it can be preservation of land for safety purpose. hum group ka साथ तब लेते हैं जब हमें safety चाहिए होती है। अगर हमें पता है कि मैं अकेले ही लड़ूँगा, तो हमें group की identity नहीं चाहिए। So our society there was not much opportunities available for an individual to progress and for being.

क्या फीचर था हमारी सोसाइटी का फीचर था पर्टिक्यूल ठीक है आपके लिए सब कुछ है आपको सब मिलेगा क्योंकि आप हायर कास्ट के हो क्योंकि आप हायर हेरकी में हो तो इट वॉज इॉट रूल ऑफ लॉ सब पे सेम रूल लगेगा ऐसा नहीं है इट वॉज पर्टिकुलरिज्म नॉट रूल ऑफ लॉ

एनी बडी एंड एवरीबडी कैन बिकम दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप भी बन सकते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी है ठीक है देन सेक्यूलर स्टेटस दैट मीन्स योर प्रोग्रेस इन द लाइफ विल नॉट डिपेंड ऑन की किसकी घर में पैदा हुआ है इट विल डिपेंड की किसके पास कितना पैसा है ठीक है

बट ऑन देश अचीवमेंट ठीक है the, it is, it नहीं मिलेगी खुद ही अचीव करनी पड़ेगी अपनी इज्जत अपने हाथ में है ठीक है तो वो अचीव करना पड़ेगा देन देर इज चेंज इन दूस ऑफ रिलीजन द रिलीजन इज नॉट अ मैटर ऑफ फेथ बट गोशल पोलिटिकल इट इज अ मैटर ऑफ फेथ इट इज नॉट इट इज नॉट हैविंग इन्फ्लुएंस ऑन ईच एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ अगर आपको लगता है ठीक है तो फाइन इफ यू बिलीव इफ यू बिलीव इन गॉड दट इज फाइन इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड दैट इज फाइन इट्स माई पर्सनल अफेयर इट्स माई पर्सनल मैटर देन इंक्रीज इन रैशनैलिटी पहले के कंपेरिजन में साइंटिफिक टेम्पो बढ़ा है रेशनलिटी बढ़ी है इंडिविजुअलिज्म बढ़ा है यूनिवर्सलिज्म बढ़ा है रूल ऑफ लॉ है पार्टिकुलरिज्म नहीं है एवरीबडी इज ट्रीटेड एज द सेम एंड देन अगेन इगैलिटेर है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीजन

अलग पर्सपेक्टिव है ठीक है मुझे मुझे मेरा मुझे मेरा करियर बचाना है, है, ठीक सोसाइटी सोसाइटी हैज चेंज बिकॉज ऑफ फोर्सेज फॉर चेंज वॉट आर फोर्सिसन हम क्यों चेंज हुए हेरारकी से हम क्यों सोशल हम स्टेटस पे आए हैं हम एगेटेर क्यों हो रहे हैं व्हाई आर वी गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू साइंटिफिक टेंपर इट इज बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ रिसीव्ड इट इज हैपनिंग प्लेस इट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द सेक्यूलर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स तो वही बात है देखो में भी यही था इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण चेंज है सेक्यूलर एजुकेशन के कारण चेंज है अर्बनाइजेशन के कारण चेंज है कॉन्स्टिट्यूशन के कारण चेंज है गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन लाया है ठीक है तो ये आपको प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज आ गई है तो सोशल मीडिया के अलग अलग जगह से इतना अच्छा अच्छा आपको नॉलेज मिल रहा है ठीक है तो इसके कारण आप चेंजेस आए हैं बताओ हाँ यस यस बहुत सारे एलिमेंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं

क्योंकि पूरी सोसाइटी एक यूनिफॉर्म थोड़ी है वो प्रो भी हो सकता है वही सेम पॉइंट प्रो भी हो सकता है वही सेम पॉइंट कॉन्स भी हो सकते हैं ठीक है बिकॉज सम सोसाइटी कैन बिलीव इट इन नो तो सेम थिंग कि वो बोलेंगे मेरा फ्रीडम है ये बोलेंगे मेरा फ्रीडम है मुझे नहीं देखना है ठीक है So what were we saying? What are the forces of the change? Those are forces key change? Industrialization, urbanization, secular education, printing technologies. Likha hai. The forces of change are secular education, the industrialization, there are caste neutral jobs, there is urbanization, there is equality. We have the role of government, constitution, and the other things. What has actually uh, changed and why, why are the things changing? क्वाल रैशनलिटी यूनिवर्सलोलॉजी छुट्टी चाहिए

रोल ऑफ मदर फैमिली में भी पढ़ते हो एथिक्स में भी पढ़ते हो सोसाइटी में भी पढ़ते हो और ऐसे में भी आता है Is, अब के जो आ रहे हैं, an तो वहां पर भी आप ये सब चीजें यूज कर सकते हो नाउ फीचर्स देखें क्या हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं क्यों चेंजेस आ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है मेरी सोसाइटी में What are the important institution in my society? The first, most important institution in my society is family. The second most important institution in my society is marriage. ठीक है? जो भी आपकी सोसाइटी की वैल्यूज को सस्टेन करता है और प्रोपगेट करता है और एजेंट ऑफ चेंज भी बनता है। That is your important social institution. So family, even caste has been a very strong institution in my society. So family, caste.

वो अभी भी करती है कि नहीं करती है फैमिली क्या रोल प्ले करती है वॉट इज द रोल फैमिली प्लेस इट इज एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन आपको सिखाती है कि क्या अच्छा व्यवहार है क्या खराब व्यवहार है दूसरा आपको दिखाती है कि आप जो deviant activities घर पे नहीं कर सकते हो जो राजेंद्र नगर में आके करते हो उसको भी चेक करती है सो फैमिली चेक्स योर डीविंट बिहेवियर फैमिली इंपॉर्ट वैल्यू फैमिली इज अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन तो ये फैमिली होती है ये फैमिली का रोल है हो सकता है फैमिली का रोल अब ओवर द टाइम चेंज हो रहा हो ठीक है क्योंकि इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है ऑटोनॉमी बढ़ रही है दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो इतना सोशल एजेंट कंट्रोल नहीं कर सकता हो, इतना सोशल कंट्रोल नहीं कर पा रहा बट स्टिल अभी भी उसका जो प्राइमरी रोल है सोशलाइजेशन देना वैल्यूज इम्पार्ट करना वो अभी भी कंटिन्यू करता है तो क्या पूछेगा फैमिली क्या है डेफिनेशन आप पता हो नहीं चाहिए फैमिली का क्या रोल है फैमिली कैसे चेंज हो रही है फैमिली क्यों चेंज हो रही है क्या चेंज होने के बाद भी अभी भी जो उसका प्राइमरी रोल है क्या वो अभी भी निभा पा रहा है कि नहीं निभा पा रहा है हमारे इसमें इतना स्ट्रॉन्ग सोशल यूनिट है अभी भी जो उनका काम है टू टू चेक वैल्यूज वो अभी भी होता है ठीक है दिस इज अबाउट योर फैमिली एक बार पढ़ लेते हैं फैमिली फैमिली के बारे में family की डेफिनेशन क्या है फैमिली इज डिफाइंड एज अ सोशल ग्रुप इट इज अ सोशल यूनिट इट इज अ सोशल ग्रुप

रेसिडेंस तुम भी मेरा जीवन बर्बाद करो मैं भी तुम्हारा जीवन बर्बाद करूंगी ठीक है ये कॉमन रेसिडेंस है फंक्शन ऑफ फैमिली क्या है प्राइमरी सोशलाइजेशन अ चाइल्ड लाइक अ क्ले फैमिली इज द फर्स्ट सोशल यूनिट वही वैल्यूज सिखाता है प्राइमरी सोशलाइजेशन सेकंड एन एजेंसी ऑफ द सोशल कंट्रोल वो बच्चों को डिवेंट एक्ट परफॉर्म करने से रोकता है छुप छुप के सिगरेट पीना छुप छुप के दारू पीना ये क्योंकि फैमिली के साथ नहीं कर सकते तो डीवेंट टैक्स से रोकता है थर्ड इट इज एन एजेंट्स ऑफ सोशल इंश्योरेंस पूरी दुनिया बेचती करेगी घर पे जाके तुम और मैं मम्मी का सोना बच्चा ही रहेंगे एक सोशल इंश्योरेंस देता है फैमिली गिव्स गिवे एश्योरेंस की पूरी दुनिया में बेचती हो रही है पर घर पे आके प्यार ही मिलेगा अच्छा इट्स अ एजेंसी ऑफ सोशल इंश्योरेंस फॉर ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू इट्स नीड each of them contribute in the family in the joint family each one of is taken care of whether you are earning whether you are not earning whether you are a child whether you are pwd whether you are disabled whether, whether you are elderly each one need is taken care of this is an insurance that is happening globalization has led to disintegration of the families and therefore there are increasing issues of mental disease if you don't get an insurance from your family

नहीं करना पापा मम्मी की मार पड़ेगी एंड इट इज अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन अभी वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन में भी चार लोग रहेंगे तो कम पैसे लगेंगे ठीक है एक सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो इकोनॉमिक सोर्स ऑफ कोऑपरेशन सोर्स ऑफ हाँ प्राइमरी सोशलाइजेशन प्राइमरी सोशलाइजेशन में सब आएगा ना फर्स्ट स्कूल है फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल प्राइमरी सोशलाइजेशन व्हाट यस

कहीं और नहीं चले जाए बी से शादी करा लेते हैं जेवर से शादी करा लो या जेट से शादी करा लो क्यों घर की चीज घर पे ही रहेगी जो लैंड है जो प्रॉपर्टी है वो घर पे ही रहेगी तो उस उस नहीं इफ यू दिस इज एक्चुअली हैपनिंग दिस हैपेंस दैट डू नॉट लेट इफ देयर इज डाइवोर्स द लेडी कैन आल्सो क्लेम इनटू द property of the husband's husband ka jo share hai the lady can claim so what to actually prevent that what happens is the lady is is married to the younger brother or to, to the elder brother to so family mein agar ek sath jute hue ho to ek sath asset hai jab toot jayega tab asset टूटेगा तो so family को साथ में रखोगे सब कुछ अलग अलग हो जाएंगे सब इंडिविजुअल हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा fragmentation of asset होगा तो so family में ही uh, it is there if you know. This is this is actually seen many of the times. It is seen that the lady is told to marry the younger brother or the elder brother because otherwise the lady would have to be given share in the property. Okay, I'm not giving you ideas. Okay, I'm not giving you ideas. I'm telling you what is happening in the society. So family is.

so i there was this was there in news because of globalization because of globalization there are increasing cases of sologamy nahi karni monogamy sologamy is something that i can there straight monogamy basically it's like even if your partner die you will not marry someone else so monogamy is one husband one wife but स्ट्रेट मोनोगीज इफ माय हस्बैंड डाइज आई विल नॉट मैरी एनी बडी एल्स दैट इज स्ट्रेट मोनोगी व्हाट इज अबाउट योर डिफरेंट मोनोगी इफ द डाइज़, मतलब लाइफ टाइम में मैं एक के साथ हूं अगर लाइफ टाइम में चले गया कोई और आई कैन मैरीज योर स्ट्रेट मोनोगी एन दिस यू कैन सी वॉट इज मोनोगी मोनोगी में भी टाइप है स्ट्रेट मोनोगी ऑल द लाइफ देर इज ओनली वन पार्टनर इवन इफ दार्टनर डाइज और देर इज

कर सकते हैं स्ट्रेट मोनोगी में आपने एक बार शादी कर ली तो बस कर ली फिर वो पार्टनर नहीं है या पार्टनर से डिवोर्स हो गया तब भी आप किसी और के पास नहीं जा रहे Polo, polygami, polygami लिखा हुआ है पॉली Poly, पॉलीजिनी भी लिखा हुआ है पॉलीगैमी में दो हैं पॉलीजिनी मींस वन हस्बैंड मेनी वाइफ एंड पॉली एंड्री इज वन वाइफ एंड वन वाइफ मोर देन वन हस्बैंड पॉलीजीनी इज फाउंड इन इस्लाम पॉली एंड्री इज फाउंड इन खासा ट्राइब ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश

पेरेंट्स पॉल थर्ड इज न्यू लोकल जब ना ना दिल्ली रहेंगे ना ना जयपुर रहेंगे कहीं और जाके रहेंगे बैंगलोर जाके रहेंगे वहां पे दोनों की जॉब है दैट इज योर न्यू लोकल फैमिली नीदर रिसाइडिंग इन दी हजब प्लेस नीदर रिसाइडिंग इन दी वाइफ्स प्लेस बट रिसाइडिंग ऑन न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन वॉट इज है इन इंडिया में देर वॉट ऑफ पैट्री लोकल फैमिलीज बट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन देर इज न्यू लोकल फैमिलीजॉब जहाँ पे है वहां पर रहना है

सोसाइटी वॉज स्टिल यानी कंट्रोल अभी भी मेल का था बट नाम फीमेल का चल रहा था तो ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्ट्री, वेदर यू आर टेकिंग नाम है वो फादर से आ रहा है या मदर से आ रहा है पेट्री लीन लैंड ठीक है एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन यून जॉइंट फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ द कम्पोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज

स

नेचर का ही लॉ है सब्जिकेटेड नहीं पेट्री जो बोल रहे हो ना हाँ पेट्री आर्की पेट्री इज नॉट सिंपली अ फिनोमिना ऑफ इंडियन सोसाइटी यू आर करेक्ट पेट्री आर्की इज फिनोमिना ऑफ दी एंटायर डियरली एंटायर वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में ही पेट्री है ठीक है फॉर हाँ हाँ फॉर दैट मैटर नेचर में भी देखो विच ऑफ दी विच ऑफ दी एनिमल इज हेडेड बाई फीमेल एलिफेंट एलिफेंट एंड

ठीक है तो ये नेचर का ही प्रिंसिपल है बट दे नेचर का प्रिंसिपल है बोल के आप ये नहीं बोल सकते ना कि नेचर का प्रिंसिपल है तो ह्यूमन में भी चलेगा वी हैव गॉट गॉड वी आर डोमिनेटिंग द एंटायर इकोसिस्टम तो दैट इज व्हाई द क्वेश्चन मार्क्स कि पेट्रीआर नेचर का इकोसिस्टम है तो आप उसको आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि सब जगह है नेचर में भी देखो सब जगह बट आप तो आदमी हो आप तो दिमाग है हमारे पास ब्रेन है तो व्हाई नॉट हैव इक्वालिटी व्हाई हैव वाई डोट है Patriarchy पहले अलग टाइम पे अलग तरीके से चलती थी अभी भी पेट्रिया चलती है अलग टाइम पे अलग तरीके से चलती है वही तो क्वेश्चन था यूपीएससी का हाउ इज मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन तो तो ये नेचर का रूल है बट देन टू जस्टिफाई की रूल है दैट इज नॉट करेक्ट ठीक है तो इट इज नॉट जस्ट अ फीचर ऑफ इंडिया इट इज फीचर ऑफ वर्ल्ड एंड इट इज फीचर ऑफ नेचर ऑल्सो राइट बट यू कैन जस्टिफाई ऑन दैट बेसिस ओके चलो अलग टॉपिक छुट जाएगा

प्लेस वॉट इज द फ्यूचर ऑफ ज्वाइंट फैमिली इट इज जनरली पैट्री फैमिली है ठीक है पैटरी है घर पे जाके रहते हैंचन देर इज कॉमन शेयरिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इकोनॉमिक यूनिटी है, है. सबको सेम लैंड से पैसा आ रहा है सबसे एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं ठीक है थीके? और ज्वाइंट फैमिली में कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग में द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली हैज ऑल द इकोनॉमिक पावर हैज ऑल से इन द फैमिली एंड हु इज द द मोस्ट यंगेस्ट फीमेल बिकॉज हेरारकी किस पे डिटरमाइन हो रही है इज ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड आल्सो ऑल्सोर जेंडर द यंगेस्ट फीमेल लेडी डज नॉट हैव एज मच पावर एंड द एल्डेस्ट मेल मेंबर हैज द लार्जेस्ट पावर तो ये ज्वाइंट फैमिली के रूल्स मतलब ज्वाइंट फैमिली के कुछ फीचर्स हैं तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली इट इज रिलेटेड यू हैव पैट्रीलिनियल देयर इज पैट्रीलिनियल द नेम ऑफ द फादर द पैट्री लोकल द वन गोज एंड स्टेज इन द प्लेस ऑफ द हस्बैंड देयर इज कॉमन शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हैज नॉट येट बीन डिवाइडेड इसलिए ज्वाइंट है देयर इज कमेंसालिटी इंटर डाइनिंग दे हैव कॉमन किचन दे हैव Sharing they have common place of eating. The power is centralized in the hand of the oldest male member, and there is common residence. Age and gender they are the more main principle of the family hierarchy. The oldest member has maximum power, and the youngest female has the least power. Okay. So composition dekha, joint family. Ke रूल्स भी हमने प्रिंसिप क्या देखे फीचर्स भी देखे एक साथ रहते हैं एक साथ खाना बनाते हैं एक साथ खाना खाते हैं ठीक है जेंडर और एज के बेसिस है अभी भी कलेक्टिव है ठीक है दैट इज फीचर ऑफ जॉइंट फैमिली व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन जॉइंट फैमिली अब ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या इंपैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन

अब हो सकती है सोलोगी के बेस्ट पे फैमिली बन गई सिंगल पेरेंट फैमिली बन गई तो ग्लोबलाइजेशन हैज चेंज द स्ट्रक्चर द दर इज डिस इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज कमिंग लिव इन द सिंगल पेरेंट फैमिली ठीक है अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया लिव इन फैमिली कैन लिव इन मैरिज कैन भी जस्ट बिकॉज आपने शादी नहीं किया है तभी फैमिली बोलोगे ऐसा नहीं है ड्यू टू डिस इंटीग्रेशन ड्यू टू डिस इंटीग्रेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है

और इंटरपर्सनल रिलेशंस भी चेंज किया ग्लोबलाइजेशन ने तीन पैरामीटर्स पे काम किया स्ट्रक्चर चेंज हो गया जॉइंट फैमिली फैमिली से से न्यूक्लियर हो फंक्शन भी चेंज कर दिया अब थोड़ी हम हाँ, एडुकेशन के लिए मम्मी पापा के पास जाते हैं अब तो एडुकेशन के लिए यू गो फॉर योर सोशल मीडिया यू गो फॉर योर स्कूल यू गो फॉर अदर इंस्टीट्यूटलाइजेशन चेंज दर्सनल रिलेशन चेंज इट इज नो लॉन्गर दिल

वो भी अब नहीं बचा है और एडुकेशन रोल पे भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। में भी हो गया। पहले सिर्फ जीवन साथी में कोई मिल जाएगा उसी का कोई रोल है इसका बेटा उसका बहू उसकी अब कुछ बचा नहीं है तो आपका स्पाउस सिलेक्शन में भी कोई फैमिली का बहुत ज्यादा रोल बचा नहीं है एक दिन लाके खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं यही है ठीक है अब आप so modification of the and there's also modification of the interpersonal relation the next paragraph we started off what we started off with family what is family the types of family on the basis of residence on the basis of the on the basis of composition on the basis of lineality that is what we went then we understood what is a joint family we understood what is the impact of globalization on the joint family then

They will they will keep on calling you till the time you re-enter the uh, group. Fine. Tell me. Yes, yes. This is what. Yes, yes. And uh, uh, sharing this with you. This was the question that was asked to me in my interview. In my interview, final interview. I had written one. So I had worked for old age home. Old age. ऑर्गेनाइजेशन uh, एक है वहां से काम किया था इंटरव्यू तो, में नीड ऑफ ओल्ड एज होम एंड आई से नीड ऑफ ओल्ड एज होम लेडी शी वॉज आज इनगेटिव लाइट टू मे आई रियलाइज देट तो वाई इज देर नीड ऑफ ओल्ड एज होम आई से where if the both if the children die then there are cases where people well the elderly might feel lonely and they would want to stay in the old age home so that they can relate to the people so there's a need of old age home okay then she said if there are old age home don't you think we should send our parents to old age home she was trying to test she, they try to test you in all possible way and then i ज वेन आई रियलाइज की आई कैन पिकअप माई इंटरव्यू उसके पहले तो इंटरव्यू बहुत ही खराब जा रहा था बिकॉज बहुत गलतियां और बहुत ब्लंडर किए थे दट इज वन आई पिकडअ माई इंटरव्यू एन आई सेट वेरी एम्फेटिकली की नो मैम आई डोंट अग्री विथ योर व्यू पॉइंट आई बेक टू डिस अग्री योर बट देन जस्ट बिकॉज वी हैव एन ओल्ड एज होम

आप बोल तो दोगे कि हाँ नहीं मैं नहीं मानता बट आप कितना पावरफुली बोलते हो और क्या आर्ग्यूमेंट देते हो ये भी बहुत मैटर करता है इट इज नॉट अबाउट आर्ग्यूमेंट वी ऑल हैव गुड आई बिलीव वी ऑल आर गुड पीपल एंड वी हैव वी बिलीव इन गुड वैल्यूज बट आपका ना दिल दहल जाना चाहिए कि क्या बात कर रहे हो कुछ भी मत बोलो सीधा ऐसे ही बहुत प्यार से बोल दो कि कुछ भी मत बोलो दैट्स हाउ यू शुड आंसर ठीक है लिखो सुनो वॉट आर वी टॉकिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ फैमिली we are talking about the globalization changing the family there is change in structure there is modification of the functions there is educative role of family change in the educative role of family change in the role of spouse selection now the families are no more playing an important role in spouse selection it is about your personal choices there is change in the interpersonal relation the next paragraph is about the life cycle of the uh, joint family when you use the word life cycle of the joint family आप लाइफ साइकिल की बात करो यानी फैमिली 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 न्यूक्लियर न्यूक्लियर में बदल सकती है बिकॉज ऑफ वॉट रीजन वाई यू थिंक फैमिली कैन कन्वर्ट इन टू न्यूक्लियर फैमिली एंड वाई डू थिंक दैट न्यूक्लियर फैमिली कैन अगेन कन्वर्ट इन टू ज्वाइंट फैमिली बताओ joint family is getting disintegrated into nuclear family why urbanization tk urban pull urbanization or land fragmentation find new local families or urbanization so you want to urbanization and search of jobs disputes why? okay fine because of the uh, disputes land related disputes and the other disputes ha theek hai to exercise liberty for the liberty and personal freedom freedom and वापस न्यूक्लियर फैमिली ज्वाइंट फैमिली हो सकती है मुश्किल है क्यों हो सकती है बताओ व्हाई विल न्यूक्लियर फैमिली रिवर्स माइग्रेशन

Then what happened? As he migrated with the family, there was a joint family, then he migrated back to Nagpur. Then as he migrated, he established himself, he called his brother that there are more opportunities there. Then the second brother comes and establishes himself in the major, in, in a bigger city. Then the third brother also comes and establishes in the major city. So what is happening? The migration is happening in the phases, in the... चेन तो पहले एक जना गया टेस्ट किया अपने आप को स्टैब्लिश किया फिर बाद में भाई को बुलाया फिर बाद में भाई को बुलाया फिर बाद में एंटायर फैमिली कम्स तो चेन माइग्रेशन भी हो सकता है रिवर्स माइग्रेशन भी हो सकता है कि नहीं कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है तो हम इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग देर कैन बी रिवर्स माइग्रेशन देर कैन बी चेन माइग्रेशन ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग एक से काम नहीं चल रहा चलो तुम आ जाओ साथ में काम करते हैं दैट कैन आल्सो बी वन ऑफ द रीज़न चाइल्ड हाँ चिल्ड्रेन गेटिंग मैरिड एंड देयरफॉर गोइंग बैक टू द विलेज ठीक है फाइन कैन दे कैन आल्सो बी फीलिंग ऑफ नेटिविज्म कि मजा नहीं आ रहा बॉम्बे में वापस चलते हैं गांव फीलिंग ऑफ द नेटिविज्म अगेन फीलिंग दैट आई डोंट बिलोंग हियर लेट्स गो बैक टू प्लेस वंस अगेन सन ऑफ सॉइल पॉलिसीज कैसे तो उससे फैमिली क्यों इंटीग्रेट हो गई अच्छा टू स्टॉप दी माइग्रेशन अच्छा हाँ ठीक है हाँ ठीक है दैट वेज यस हाँ यू कैन से दैट बताओ यूज अच्छा ठीक फाइन सो व्हाट आर वी डूइंग वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द ज्वाइंट फैमिली क्वेश्चन क्या लिखा है देखो the question that was asked life cycle of a joint family depends on economic factors rather than social values discuss when it says discuss you need not always agree to what they are saying that you need not always agree that it is the economic parameter that determines the life cycle of the joint family so if i would have been there i would have addressed the question as joint the life cycle of joint family i would have given the heading the life cycle of the joint family and in the life cycle

in the lifetime of the joint family, like globalization, better opportunities for women, privacy, individualism, these are the social factors. privacy, chahiye, individualism, chahiye, autonomy. Chahiye, women. Ke liye apne, uh, autonomy chahiye. so this is the social factors. however, it is largely the economic factors that govern the economic factors. the economic, the economic factors like migration, push factors, pull factors,

It's been, a first, it's been your first day. We'll continue tomorrow. We'll continue class system say tomorrow and be prepared for a two and a half hour class, right? From five to seven thirty. I believe giving you handouts rather than making you write will speed up the process. We will continue this trend. Okay. Thank you so much. All of you, please write five answers. I should, exp I should get all the answers from you. यू विल नॉट गेट अ डिटेल्ड इवेल्यूएशन फीडबैक ऐसे ही तो कर लो आंसर्स लिख लो आपके आंसर्स प्रिपेयर हो जाएंगे ठीक है सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर आंसर यू कैन रेफर दैट इज नॉट एन इशू इन केस यू वॉन्ट टू रेफर समथिंग एंड राइट मॉडल आंसर्स इफ़ यू वॉन्ट टू राइट आंसर देख के कुछ तो चलेगा बिकॉज आप अब उस स्टेज पर नहीं हो कि बिना देख के लिख सको तो आप देख के भी लिखोगे तो चलेगा दैट इज नॉट एन इशू ठीक है थैंक यू सो मच Thank <laughs> you.